हेलो एवरीवन, तो सुने हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जा रही है और कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है जिसका नाम है मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ भाई, जो पाइथन से 3500 गुना फास्ट है। क्या? सुनो फिर से, 3500 गुना फास्ट है। तो अब तो क्या होगा, पाइथन तो चली जाएगी, पाइथन तो सीखना बेकार हो गया, क्या पाइथन नहीं सीखे? इन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है और इस मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ना सब कुछ आज देख डालेंगे कि ये कैसे फास्ट है, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या है इसमें। ठीक, तो वीडियो को चलो लास्ट तक जरूर देखना और एंजॉय करते हैं इसको। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, एक्चुअल में ये है क्या। तो ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा, पाइथन होती है, उसी तरीके से ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मॉड्यूलर AI द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो इसे डेवलप किसने किया, आखिर में वो बंदा है कौन? तो उस बंदे का नाम है क्रिस लैटनर। नाम से पता है ये इंडियन नहीं है, ये दूसरे कंट्री का है। तो क्रिस लैटनर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाई है और ये कोई मामूली बंदा नहीं है कि वैसे ही किसी कंपनी में काम किया और कोई नया नवेला आया और आके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बंदा है ये गूगल में काम कर चुका है, जो कि टेंसर फ्लो आपको पता है AI बेस्ड है, उसमें ये काम किया है, और एप्पल में ये काम किया है, जो कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने बनाया था, स्टार्ट किया था बनाना, जो कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग एप्पल के प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, आईवॉच के लिए ऐप बनाते हैं, मैकOS के लिए ऐप बनाते हैं, Xcode जो कि IDE है एप्पल में, उसको भी इन्होंने डेवलप किया है, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी, भाई एलन मस्क की टेस्ला कंपनी में इन्होंने काम किया है। तो इतनी सारी जगहों पे इतना एक्सपीरियंसेस वगैरह होने के बाद इन्होंने ये मॉड्यूलर AI में कंपनी में इन्होंने मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो इससे कहा जा सकता है कि हाँ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दम तो होगा। रोज मतलब हर साल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, डेवलप की जाती हैं, मार्केट में आती हैं, और 10,000 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी हम कुछ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जानते हैं। तो आपको कुछ बैकग्राउंड पता चला कि ये जो बंदा है डेवलप किया, इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो नाम से तो और इसके काम से तो लग रहा है कि हाँ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दम होगा। तो अब इस बात पे आते हैं कि अब पाइथन लैंग्वेज चली जाएगी क्या, पाइथन से 3500 गुना फास्ट है। तो एक चीज सुनो, अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, अभी एक्चुअल में यूज करने के लिए नहीं दिया गया है हर किसी को, इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, ये खुद का प्लेग्राउंड दे रहे हैं तो वहां पे हम यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी पब्लिक नहीं किया गया है, तो इससे हम इसका स्पीड तय नहीं कर सकते। और रही बात, इसको पाइथन का सुपर सेट कहा जा रहा है। सुपर सेट का मतलब क्या है कि मोजो इतना बड़ा है, और पाइथन उसके अंदर छोटा सा बच्चा है। ठीक है, यानी कि ये पाइथन का सुपर सेट है, यानी कि पाइथन की सारी फंक्शनैलिटी तो इसके अंदर है और कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोजो सीख लोगे तो पाइथन के जो मैटप्लॉट वगैरह और भी नंपाई वगैरह जो भी हैं उनको नहीं यूज कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे चीज़ों को आप यूज कर पाओगे। और रही बात, ये सुपर सेट है तो पाइथन तो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो पाइथन भी सीखना जरूरी है। ठीक है, पाइथन जो बेसिक्स है, तो अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि अगर मैं पाइथन सीखूंगा तो फ्यूचर में इसका यूज खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपको अगर पाइथन सीख लेते हो तो मोजो सीखने बस चुटकी भर का खेल है, सीख जाओगे, सिंटैक्स वगैरह मैच कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताओ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आई थी कि जावा पहले आई थी? तुरंत आंसर दोगे, हमें पता है, मुझे पता है आप लोग बोलोगे जावा पहले आई थी, तो ये आपका आंसर गलत है। पाइथन पहले आई थी, 1989 में आया था, और जो जावा थी वो 1995 में आई थी, करीब 6 साल पहले ही पाइथन आ गई थी, लेकिन पाइथन फेमस नहीं हुआ, जावा पहले ही फेमस हो गई। अब पाइथन का रीज़न क्या था ना फेमस होने का, क्योंकि उस टाइम पे AI वगैरह उतनी नहीं थी, जैसे ही AI आया तो एक पाइथन बूम पर गया, मतलब बहुत स्पीड से बढ़ा और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और पाइथन की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब की दुनिया में कर सकते हैं, AI में तो करते ही करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, मशीन लर्निंग, इन सारी जगह पे तो हम लोग कर ही रहे हैं पाइथन का यूज। तो एक मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, इसका एक्सटेंशन यार बहुत मस्त है, आग जैसा है, अभी देखेंगे हम लोग उसका। ठीक है, उसको लीट कहते हैं। तो चलो अब इसके थोड़े ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि आखिर में क्या चीजें कैसे दी हुई है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस मोजो के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है मोजो, अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI डेवलपर्स।
तो जो भी AI डेवलपर्स हैं सावधान हो जाइए, मोजो आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फ्यूचर में आपको इसको सीखना पड़ेगा। बहुत ही मस्त टूल है आने वाला जिस तरीके से इसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका जो सिंटैक्स है, देखो ये softmax.py है, ये पाइथन का एक्सटेंशन, लेकिन ये जो आग जैसा दिख रहा है इसे लिट कहते हैं, ये इसी का एक्सटेंशन है मोजो का। ये कुछ फनी है ना, कुछ नया देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ .c.java ऐसा कुछ नहीं, ये आग ही लगा दिया गया है यहाँ पर कि इसका एक्सटेंशन यही है, ठीक है। और राइट एवरीथिंग इन वन लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप इस एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं, इसके नीचे थोड़ा आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन दिया है, थ्रेड लेवल आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में पढ़े होंगे, यानी पाइथन में थ्रेड लेवल पे सिंगल थ्रेड में एग्जीक्यूशन होता है। और यहाँ पर मोजो जो होता है ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है मल्टीपल कोर्स पर। आपको पता है ना आपके कंप्यूटर में कोर्स वगैरह होते हैं, तो यानी कि ये मल्टीपल कोर पर ही आपकी जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करता है, तो ये काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू पाइथन। और यहाँ पर देखो इसके एग्जीक्यूशन का दिया गया है, एक एल्गोरिथम है जो मेंडल ब्रॉट करके है, उस पर ये देखा गया है। जो पाइथन को यहाँ पे रन किया गया तो यहाँ पर टाइम लिया आपका 1027 सेकेंड्स लिया, वहीं आपका पाई जो था ये आपका 46 सेकेंड लिया, स्केलर C++ जो है आपका 0.2 सेकेंड लिया, और वहीं पर जो मोजो है वो आपका 0.03 सेकेंड लिया। और यहाँ पे जो कंपेयर किया जा रहा है पाइथन से, यहाँ पर देखो ये 35,000 गुना फास्ट दिखाया जा रहा है। अब असली औकात तो इसकी पता चलेगी जब ये एक्चुअल यूज में आएगा, अभी तो बस कहा जा रहा है डेटा के बेस पे, ठीक है। उसको एक्सेस द इंटायर पाइथन इकोसिस्टम, यानी कि पाइथन की सारी चीज़ों को आप इसमें, लाइब्रेरी जो भी है देखो यहाँ पे सीधे दिया हुआ है, एक्सपीरियंस ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी विद द पाइथन इकोसिस्टम सीमेसली इंटरमिक्स आर्बिट्री लाइब्रेरीज लाइक numpy, मेटप्लॉयट एंड योर कस्टम कोड विथ मोजो। मतलब डरो मत, मेटप्लॉयट वगैरह और numpy वगैरह जितने भी आप आसानी से मोजो के साथ यूज कर सकते हो। तो ये रहा मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और ऐसी वीडियो अगर फ्यूचर में आप चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताओ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।